अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आइए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो आज का व्लॉग मैं शुरू करने जा रही हूँ डस्टिंग से, क्लीनिंग से। मैं कर रही हूँ रूम की डस्टिंग और ये मॉर्निंग का टाइम है और मेरा बेटा स्कूल के लिए जा चुका है और मेरे हस्बैंड भी साइट के लिए निकल गए हैं और मैं अपने डेली के रूटीन में लग गई हूँ, जो कि शुरू होता है डस्टिंग से और छोटी छोटी चीज़ें जो फैली रहती हैं उनको समेटने से, और जो कि सुबह के टाइम मोस्टली रूम बिखरा ही रहता है। जैसे ये वाटर बोतल हैं सारी, और मुझे आदत है पानी पीने की थोड़ी थोड़ी देर पर, तो मैं अपने आसपास ही वाटर बोतल रखती भी हूँ। और एक ये शोपीस रखा हुआ था मेरे पास, तो इसे भी मैं यहाँ से हटा कर रखूँगी। और ये मेरे बेटे के कुछ टॉयज़ वगैरह रखे हैं, इन्हें भी यहाँ से हटा कर रखूँगी। और उसके बाद मैं डस्टिंग वगैरह के लिए यहाँ से जगह क्लीन कर रही हूँ, ताकि ये सब चीज़ें मैं हटा दूँ, तब उसके बाद मैं डस्टिंग करूँ। उसके बाद मैं मुझे पीनी थी अपना सिरप, जो कि मैंने पी लिया है। उसके बाद में मैं एक ही लोशन यूज़ कर रही हूँ और उसके बाद में मैं रूम वगैरह क्लीन करके और डस्टिंग वगैरह करके बैठ गई थी मैं ट्राउज़र सीने के लिए। और ये मैं बना रही हूँ ट्राउज़र की मोरी का डिज़ाइन, जो कि मैंने सिंपल नहीं रखा है ट्राउज़र, मुझे नीचे बनाना था मोरी पे डिज़ाइन, और वही मैं बना रही हूँ। और ये सूट मैंने सिया था चांद रात वाले दिन, शायद से मैंने शेयर भी की थी इसकी वीडियो आपके साथ। और इसका ट्राउज़र रह गया था सिलने के लिए, तो अभी मुझे थोड़ा टाइम मिला था तो मैंने सीने के लिए इसको बैठ गई हूँ। और ईद को भी काफ़ी दिन हो गए हैं और ये कटिंग करके मैंने रख दिया था और तब से मुझे टाइम नहीं मिला है इसको सीने के लिए। और ये मैंने कुछ कटवर डिज़ाइन बनाए हैं इस पर कंगूरे, और उसको मैंने स्टिच किया है ऊपर की साइड में। और बीच में मैंने एक अलग से कपड़ा लिया था, उसमें मैंने लाइंस स्टिच की हैं, लाइंस मैंने बनाई थी। और उसके बाद में मैंने नीचे से एक और आर्का जोड़े हैं, जो कि कंगूरे थे, जो कि कटवर भी बोलते हैं जिन्हें, और इन्हें मैंने यहाँ से एक पट्टी यहाँ से लेकर जोड़ी है नीचे से, और मैं इन्हें ऊपर की साइड को फोल्ड करूँगी। ये मैंने उल्टी साइड से यहाँ से जॉइंट करना है इन्हें, और यहाँ से मैं इस पर सिलाई लगा दूँगी। और एक्चुअली मैं डिसाइड भी नहीं कर पा रही थी, इस वाले डिज़ाइन को लेकर थोड़ी कंफ्यूज थी, बट मैंने डिसाइड किया कि मैं मुझे यही डिज़ाइन बनाना है, तो फिर टाइम इसमें लगा था मुझे, बट मैं इसको सीने के लिए बैठ गई थी थोड़ा सा टाइम निकाल कर, क्योंकि ये काफ़ी दिन से रखा हुआ था कटिंग करके, तो मैंने सोचा इसे कंप्लीट कर देती हूँ। और ये जो इसका राउंड शेप डिज़ाइन है कटवर वाला, इसको मैंने ऊपर की साइड यानी कि सीधी वाली साइड में मैंने फोल्ड किया है, और एक साइड ऊपर इसके इसी तरह का आर्का बना हुआ है और एक साइड नीचे से ये आर्का ऊपर की साइड मैंने फोल्ड किया है। और अब इस पर मैं लगाऊंगी सिलाई ऊपर की साइड। मैंने दोनों तरफ की मोरी कंप्लीट करके उन्हें फोल्ड कर लिया है बाहर की साइड, और अब मैं इन्हें ऊपर की साइड अच्छे से सेट करके, मैंने आयरन से इन्हें जमा लिया है, अच्छे से सेट कर लिया था, और उसके बाद मैं इस पर सिलाई लगाने लगी हूँ। और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मोरी डिज़ाइन बनके तैयार हुआ था और बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और बाकी कमेंट्स करके बताना कि मोरी का डिज़ाइन आपको कैसा लगा, और अगर वीडियो अच्छी लगा करे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें और शेयर भी किया करें। और ये देखें, ये काफ़ी प्यारा सिंपल, ज़्यादा हैवी मैंने नहीं बनाया है, और सिंपल सा डिज़ाइन ये मैंने बनाया है, और ये काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और ये मोरी हो गई हैं दोनों कंप्लीट, और उसके बाद मैं फ़िटिंग लगाने लगी हूँ, जो कि मेरा ट्राउज़र था उसी से मैंने फ़िटिंग लगाई है, उसी के अकॉर्डिंग मैंने कट किया था ये वाला ट्राउज़र भी।
और ये मुझे फिट आता है, ये काफ़ी अच्छी इसकी फिटिंग है, तो इसलिए मैं इसी को रख के इसकी फिटिंग लगा रही हूँ। और बट मुझे ये इससे थोड़ा सा लंबा रखना था, 1 इंच मुझे ये थोड़ा बड़ा रखना था इससे, तो वो मैंने नीचे की जो डिज़ाइन बनाई है मोहरी डिज़ाइन, मैंने उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा दिया था डिज़ाइन में। और अब मैं ये लगाने लगी हूँ सिलाई, और ये लास्ट सिलाई है, इसके बाद में मेरा ट्राउज़र हो जाएगा कंप्लीट। और इसमें मैंने दोनों साइड पॉकेट्स भी लगाई हैं, बट मैंने आपसे सिर्फ मोरी डिज़ाइन शेयर किया है क्योंकि मैंने रात में ये ऊपर का कंप्लीट करके रख दिया था और पॉकेट्स वगैरह लगा दी थी, और मोरी सिर्फ अभी बनाई हैं तो इसलिए मैं वो शूट नहीं कर पाई वो, तो मैंने ऊपर की साइड पॉकेट्स भी लगाई हैं इसमें दोनों साइड। और अब ये मेरा ट्राउज़र हो जाता है कंप्लीट। और जो मैंने मोरी में डिज़ाइन बनाया है उसे आर के, कंगूरे और कटवर डिज़ाइन कुछ भी कह सकते हैं। और जैसे कि ऐसा हुआ था कि लास्ट मोमेंट पे धागा ख़त्म हो गया था, ऐसा कई बार होता है कि अगर सिलाई पूरी होने वाली होती है तो तभी धागा ख़त्म हो जाता है, तो मैं और धागा डाल रही हूँ और उसके बाद में इसे कर लूँगी मैं कंप्लीट। थोड़ी सी इसकी सिलाई बाकी रह गई थी और उसके बाद ये हो गया था कंप्लीट। और इसमें काफ़ी सारा कपड़ा एक्स्ट्रा था जो मुझे अच्छे से इसको कट करना है, और इसलिए मैंने इसे नीचे अच्छे से फैला लिया है, और उसके बाद मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा जितना भी था उसको कट कर दिया था, और उसके बाद मैं इसको सीधा कर लूँगी। और नाश्ता वगैरह करने के बाद और मैंने सिर्फ डस्टिंग की थी और चीज़ें रूम की सेट की थी थोड़ी थोड़ी, बट मेरी झाड़ू और पोंछा भी रह गया था, मोप वगैरह भी मुझे लगाना था, तो मुझे काफ़ी टाइम इसी में लग गया था, 1.5 से 2 घंटे मुझे इसी में लग गए थे मिनिमम। और जितने भी इसके एक्स्ट्रा थ्रेड्स निकले हुए हैं वो सभी मैं कट कर लूँगी, और इसको अच्छे से फोल्ड कर लूँगी। और उसके बाद में ये सब मैंने क्लीन करना था, मैंने मशीन उठाकर रख दी है क्योंकि मुझे और कुछ काम नहीं करना था, अभी टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था और भी बाकी काम करने थे मुझे घर के, और इसलिए मैंने मशीन को एक साइड पर रखा है और उसके बाद मैं करने लगी हूँ क्लीनिंग, जो कि रूम में काफ़ी ज़्यादा इधर उधर सामान फैल गया था क्योंकि मैंने स्टिचिंग वगैरह की थी। और ये अभी मैं लेंथ इसकी नाप रही हूँ, लेंथ इसकी देख रही हूँ कि इसे मैंने थोड़ा 1 इंच बढ़ाकर रखा था, तो लेंथ बिल्कुल परफेक्ट आई है। और ये जो मेरा थ्रेड का बॉक्स था ये सभी मैं सेट करके इसे अच्छे से रख दूँगी क्योंकि इसका काम होता है मेरा कंप्लीट। और ट्राउज़र वगैरह जो मैंने मेजरिंग के लिए लिया था उसको भी मैंने रख दिया है। और उसके बाद में मैंने बेडशीट को अच्छे से साफ़ कर दिया है, अच्छे से झाड़ दिया है, और उसके बाद में मुझे लगानी है झाड़ू। और अपने कपड़े मैं ज़्यादातर खुद ही सीना पसंद करती हूँ, मैं बाहर नहीं सिलाती हूँ अपने कपड़े, बाहर स्टिच नहीं कराती हूँ, खुद ही स्टिच करती हूँ या फिर मेरी सिस्टर्स मेरे कपड़े स्टिच करके देती हैं सूट्स। और बाहर मैं कपड़े नहीं सिलाती हूँ, बट टाइम शॉर्ट होने की वजह से टाइम नहीं मिलता है कभी, तो मेरी सिस्टर्स वगैरह ज़्यादातर मेरे कपड़े सिलकर भेज देती हैं, वही कपड़े स्टिच करके भेज देती हैं क्योंकि मुझे टाइम इतना नहीं मिल पाता है। और उसके बाद में मैंने पोछा वगैरह लगा लिया था, और उसके बाद में मैं कट करने लगी थी सब्जी जो कि मैं बना रही थी तोरी दोपहर के लिए,
और इसकी छिलकों वाली रेसिपी जो मैंने आपके साथ शायद एक बार शेयर की थी, मैं वो नहीं बनाने वाली हूँ आज। सिर्फ मैं तोरी की सब्ज़ी ही बनाऊंगी, और वो भी मसाले वाली, हरी मिर्च वाली तोरी मुझे नहीं बनानी थी आज, क्योंकि हरी मिर्च की तोरी मुझको पसंद है, बट मेरे हस्बैंड को मसाले वाली ही तोरी और भिंडी की सब्ज़ी पसंद है, तो इसलिए मैं बना रही थी मसाले वाली तोरी। और साथ में साइड पर मैंने ये रखा है नींबू पानी, पानी में चीनी ऐड करके मैंने रख दिया है एक साइड पर, ताकि थोड़ा सा चीनी उसमें घुल जाए, चीनी थोड़ी सी मेल्ट हो जाए। और उसके बाद में मैंने सब्ज़ी कट कर ली थी, और सब्ज़ी को मैं गैस पर रख के आ गई थी मसाला वगैरह भूनने के लिए, मैंने पहले ही रख दिया था। उसके बाद में मैंने सब्ज़ी वॉश करके डाल दी है तोरी, और उसके बाद में मैं बनाने लगी हूँ नींबू पानी। और मेरे हस्बैंड के आने से कुछ देर पहले ही मैं बनाकर रख देती हूँ, और क्यूब्स वगैरह भी इसमें डाल देती हूँ, आइस क्यूब। और इसमें मैंने थोड़े से चिया सीड्स भी डाले हैं जो कि मैंने भिगो कर रखे थे। और उसके बाद में मैं डाल दूँगी इसमें क्यूब्स, और कुछ देर के लिए इसे ढक कर रख के आ जाऊँगी किचन में। और उसके बाद में मैंने यहाँ से सारा सामान समेट लिया है, और उसके बाद में मैं थोड़ा सा, मेरे पास टाइम था तो मैं इसके स्टोन्स वगैरह इसमें सेट करने लगी थी। स्टोन वगैरह मुझे लगाने थे, थ्रेड से चिपकाने नहीं थे, और मुझे वो धागे से ही लगाने थे, मोती टाइप वो स्टोन थे इस टाइप के, और ये मैं लगाने लगी थी। इसमें भी मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था, क्योंकि मैंने हर एक कटवर पे वो डिज़ाइन पे लगाए थे ये मोती। और ये स्टोन्स वगैरह मैंने लगा दिए थे, और इसके बाद और भी ज़्यादा प्यारा इसका लुक आ रहा था, और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल ये मोरी लग रही थी। और मेरी सिस्टर्स वगैरह जो कपड़े वगैरह स्टिच करती हैं, वो इससे भी ज़्यादा प्यारे प्यारे डिज़ाइंस उन्हें आते हैं सिलने, बट मैं अभी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता है इतना। और ये देखें, ये कितनी प्यारी लग रही है, हल्के से छोटे छोटे से मैंने स्टोन्स इसमें ऐड किए हैं बस, और काफ़ी प्यारा इसका डिज़ाइन लग रहा है, सिंपल सा। और ये ट्राउज़र का फाइनल लुक, और ये वाला सूट था जो मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, दिखाया भी था मैंने एक बार आपको, और ये सूट मैंने पहले ही सी लिया था, और ये ट्राउज़र मैंने सिला है आज, हो गया है ये कंप्लीट। और ये देखें इसका लुक, ये कितना खूबसूरत लग रहा है, इसकी मोरी का डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि मोहरी का डिज़ाइन कैसा लगा आपको, और मैंने फ़र्स्ट टाइम इस टाइप का कटवर डिज़ाइन ट्राई किया है। इससे पहले मैंने डिज़ाइन बनाया था, बट वो डिफरेंट था, तो कह सकते हैं कि पहली बार कुछ नया ट्राई किया है। और ये था मेरा पूरा सूट, और इसका दुपट्टा कंट्रास्ट में था और काफ़ी अच्छा लग रहा था। और ये देखें मस्टर्ड कलर का काफ़ी प्यारा ये सूट मुझे लग रहा था, और ये हो गया था फाइनली कंप्लीट, जो काफ़ी दिन से कटिंग करके मैंने रखा हुआ था। और नेक्स्ट डे हमें जाना था डॉक्टर के पास, और ये रास्ते में था वाटर पार्क जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा था, और अपने बेटे को लेकर इंशाल्लाह एक बार ज़रूर आएंगे यहाँ पर। तो मैंने इसकी थोड़ी सी वीडियो बना ली थी, वीडियो ले ली थी मैंने, और ये काफ़ी प्यारा था। और अब हम निकल गए थे हम बेटे को स्कूल ड्रॉप करने के बाद, और यहाँ पर मैंगोज देखें, यहाँ पर मैंगो ट्री थे, और काफ़ी बड़े बड़े आम हो रखे थे ये देखें। और उसके बाद में मैं आ गई थी घर,
और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद में मैं लग गई थी क्लीनिंग में, और मुझे ये बेडशीट चेंज करनी थी और इसलिए मैं पिलो कवर्स चेंज कर रही हूँ सबसे पहले, और डस्टिंग मैंने कर ली थी, उसके बाद में मुझे चेंज करनी थी बेडशीट, तो मैं बेडशीट मैंने दूसरी ले ली है और इसे मैं अच्छे से सेट कर दूँगी। और उसके बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए, मुझे बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और ये वाली बेडशीट कॉटन वाली इजीली चिपक जाती हैं बेड पर और काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती हैं, बार बार इन्हें सेट नहीं करना पड़ता। और उसके बाद में मैंने ये बनाए थे चने की दाल के चावल, बासमती राइस, जो कि मैं बनाती हूँ, और ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे। और आज की वीडियो अगर आपको मेरी ये पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़। Well.